कोई सीक्रेटली आपको प्यार करता है कि नहीं, देखते हैं। बिल्कुल करता है, यस, ओके। चलो अभी जनरल देखते हैं, जितने भी लोग अपने पर्सन के, किसी एक पर्सन के बारे में सोचिए माइंड में, उसको अपने माइंड के सेंटर में लाइए और उसका चेहरा या उसका नाम सोचते रहिए और सोचिए कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। सो वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पर्सन एंड जिन जिन के साथ रेजोनेट करेगा वो लिख देंगे आई क्लेम, ठीक है, कमेंट में लिख देंगे आई क्लेम दिस रीडिंग या आई क्लेम इट, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कि जो डिजायर पर्सन आपके हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अटक रहा है कार्ड मतलब वो थोड़ा सा स्कैटर्ड थॉट्स में है, बार बार बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले तो उनके मन में इमोशंस है आपके लिए, प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। क्या इस प्यार को हो सकता है वो छुपा रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, बट वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके मन में आपके लिए क्या है। उनको लग रहा है कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, अभी शायद टाइम सही नहीं है। प्यार उनके मन में है बट टाइम शायद सही नहीं है, टाइम दोनों के बीच में गलत है, दिस इज नॉट द राइट टाइम। इसीलिए वो इस रिश्ते को सक्सेस अभी होने के लिए उनको लग रहा है शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या फिर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। द पर्सन इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टार कार्ड आ रहा है बट लिटिल बिट इन रिवर्स, तो ये बोल सकते हैं कि इंसान हो सकता है कि आपको एज अ स्टार मानते तो है बट इस बात को जैसे हमने देखा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके लाइफ में आप अगर आ जाए तो वो उनकी लाइफ क्या विश फुलफिलमेंट जैसे बन सकते हो, या विश फुलफिलमेंट हो, आपके आने से उनके लाइफ में तरक्की हुई है, बरकत हुआ है, ठीक है। और देखते हैं इस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या है। सैड है, वो दर्द में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। हो सकता है कि आपके साथ अभी जो भी सिचुएशन चल रहा हो उसको लेके जितना आपको अच्छा नहीं लग रहा हो या दर्द है तो उतना उनको भी है, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन सी कि सन, वो आपको अपना लाइफ का सन मानते हैं या वो आपके लाइफ के सन है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं, वो आपसे पैशनेट फील करते हैं और साथ साथ वो आपको एज अ फ्रेंड भी देखते हैं एंड आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ में। कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में, अगर कॉन्शियसली वो बोल रहे हैं कि हमारे बीच में चीज़ें ये होगा वो होगा वट एवर रीजन्स, बट उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप ही हो और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में किसी न किसी से चर्चा भी करते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या रहा है इस पर्सन के माइंड में आपके लिए। पैशनेट एनर्जी अगेन कमिंग अप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग भी चलती है उनके माइंड में, इमोशनल भी है, वो आपको लेके इमोशनल है, अपने मदर से बात कर सकते हैं, बट अभी अभी मे बी वो आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, बट आगे चीज़ें बनेंगी, ओके। और साथ साथ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेके सोचे जाता है, थोड़ा सोच विचार चलता रहता है बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को। यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड है, आपके साथ जस्टिस करेंगे और ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलेगा बट कुछ चेंजेस भी यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि कुछ ना कुछ मैजिकल चेंजेस होगा, हो सकता है ये सारी चीज़ों को वो बैलेंस करने का जो इच्छा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बट वो जो चीज़ें उनके मन में चल रही है, जो उनके मन में उतार चढ़ाव चल रहा है वो ज़रूर वो एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है।